आने वाले लोकसभा चुनाव में दक्षिण पर कांग्रेस को बहुत भरोसा है, लेकिन दक्षिण की हवा अगर उत्तर की तरफ आ गई तो क्या होगा? क्योंकि दक्षिण में कांग्रेस ने कुछ ऐसा कर दिया है कि अगर वहां की हवा उत्तर में आई तो उत्तर भारत में कांग्रेस की बची खुची संभावनाएं हवा में उड़ सकती हैं। नमस्कार, सियासी मुद्दों की नुक्ताचीनी पर हमारे खास शो सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ मुक्ता सिंह। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में ऐसा बिल पास किया है जिसमें हिंदू मंदिरों पर 10% टैक्स लगाने का प्रावधान है, जिस पर आने वाले चुनाव में बवाल होना तय है। कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को ऐसा बिल पास किया गया है जिससे बेंगलुरु से बिहार बंगाल तक हलचल मची है। कर्नाटक विधानसभा में कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स बिल 2024 पारित किया गया है। इस विधेयक में हिंदू मंदिरों के राजस्व पर 10% टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है। इस पर दक्षिण से लेकर उत्तर और पूरब पश्चिम तक की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ही नहीं, विपक्ष के इंडिया गठबंधन के कई नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को लोकसभा चुनाव से ऐन पहले हिंदू मंदिरों से टैक्स वाले बर्रे के छत्ते में हाथ डालने की आखिर क्या जरूरत थी। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर बीजेपी के हमले शुरू हो गए हैं। बीजेपी ने सिद्धारमैया सरकार पर तीखा हमला बोला है और कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताया है। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष विजेंद्र येदुरप्पा ने कहा कि कांग्रेस सरकार हिंदू मंदिरों के पैसों से अपना खाली खजाना भरना चाहती है। विजेंद्र येदुरप्पा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार राज्य में लगातार हिंदू विरोधी नीतियां अपना रही है और अब उनकी नजर हिंदू मंदिरों पर है। ऐसे समय जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में राम लहर है, देश ही नहीं पूरी दुनिया में सनातन का शंखनाद गूंज रहा है, तब कांग्रेस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर उतारू है। अभी कर्नाटक के हिंदू मंदिरों पर 10% टैक्स का बिल आया है। इसके पहले कर्नाटक के बजट में भी ऐसे कई प्रावधान किए गए जो हिंदू भावनाओं पर चोट करते हैं। बीते दिनों कर्नाटक सरकार ने जो बजट पेश किया था उसमें सरकार ने वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए और ईसाई समुदाय को 200 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। कांग्रेस पर ऐसे ही नहीं तुष्टिकरण के आरोप लगते हैं। एक तरफ वक्फ बोर्ड और ईसाई समुदाय को मदद, वहीं दूसरी तरफ हिंदू मंदिरों पर 10% टैक्स। बेंगलुरु के बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने इन मुद्दों पर कांग्रेस की कर्नाटक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी सूर्या तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कर्नाटक सरकार हिंदू समुदाय के राजस्व का इस्तेमाल दूसरे धर्मों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए कर रही है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या कह रहे हैं कि कर्नाटक सरकार ने हिंदू मंदिरों से करीब 445 करोड़ रुपए का राजस्व इकट्ठा किया है और इसमें से हिंदू मंदिरों के लिए महज 100 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए हैं, बाकी पैसा दूसरे धर्मों को दिया जा रहा है। पिछले साल का कर्नाटक विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, पूरे चुनाव प्रचार में मोदी और अमित शाह ने बजरंग बली को मुद्दा बना दिया। प्रधानमंत्री खुद चुनावी सभाओं में कहते थे कि ईवीएम का बटन दबाते वक्त जय बजरंग बली कहना। इसके जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव प्रचार में खूब जय बजरंग बली बोला। कांग्रेस ने भारी बहुमत से कर्नाटक का चुनाव जीत लिया। बासवराज बोम्मई, बीएस येदुरप्पा जैसी कर्नाटक की तगड़ी लीडरशिप और भारी भरकम बीजेपी चारों खाने चित हो गई। साफ है कि पिछले साल के चुनाव में कांग्रेस को बहुसंख्यक हिंदुओं का भी जमकर वोट मिला। अब आम चुनाव आ गए हैं, उसके पहले कर्नाटक के हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगाने का मुद्दा पूरे देश में चुनावी मुद्दा बन सकता है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर वैसे ही अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण का आरोप लगता रहता है। ऐसे में अगर बीजेपी ने ये मुद्दा पूरे देश में उछाला तो कांग्रेस के पास इसका जवाब होगा, ये समझना मुश्किल है। कर्नाटक में कांग्रेस के पास सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार जैसी तगड़ी लीडरशिप है, दोनों को कर्नाटक की जनता का जन समर्थन है। शिवकुमार के कार्यक्रमों में भीड़ उमड़ रही है, वो इस मुद्दे पर बोलने से भी बच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेता कह रहे हैं कि इस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल हिंदू मंदिरों के संरक्षण पर होगा। चुनाव अगर परसेप्शन की लड़ाई है तो ये तय बात है कि ऐसे कदमों से कांग्रेस की हिंदू धर्म विरोधी छवि मजबूत होती है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। अभी हाल में उनकी ये यात्रा वाराणसी पहुंची तो बाबा विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। पिछले साल वो केदारनाथ गए थे, वहाँ संतों के साथ उनकी दार्शनिक चर्चा ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अक्सर मंदिर जाते रहते हैं, चुनाव के वक्त इनका टेंपल रन कुछ ज्यादा ही तेज हो जाता है, लेकिन ये लोग हमेशा कहते हैं कि उनकी मंदिर यात्रा का चुनाव और सियासत से कोई लेना देना नहीं है।
एंटनी कमेटी समेत कांग्रेस के पराभव पर विश्लेषण करने वाली कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि चुनाव में कांग्रेस के खराब परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो बहुसंख्यक हिंदुओं का दिल जीतने में नाकाम होती जा रही है। उसकी छवि एंटी हिंदू बनती जा रही है और इस छवि को तोड़ने की जरूरत है। कांग्रेस के कई नेताओं ने सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए इस छवि को तोड़ने की कोशिश भी की। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कमलनाथ हैं, जिन्होंने पिछले साल मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हिंदुत्व के सहारे लड़ा। भूपेश बघेल ने कौशल्या मंदिर और राम वन गमन पथ को विधानसभा चुनाव में प्रमुखता से उठाया। लेकिन कमलनाथ और भूपेश बघेल तो कांग्रेस के सर्वे सर्वा नहीं है। हाल में कमलनाथ की नाव तो खुद कांग्रेस में डोलती दिखी, उनके बीजेपी में जाने की चर्चाएं तेज रही। कांग्रेस का सर्वे सर्वा तो गांधी परिवार है। कर्नाटक में हिंदू मंदिरों पर 10% टैक्स लगाने को अगर राहुल प्रियंका और सोनिया गांधी की मौन सहमति के तौर पर प्रचारित किया जाएगा तो इससे कांग्रेस को कितना फायदा या नुकसान होगा आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री यूएई गए और वहां सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। एक तरफ बीजेपी सनातन पिच के फ्रंट फुट पर खेल रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कर्नाटक में हिंदू मंदिरों पर 10% टैक्स लगाकर खुद हिट विकेट होने का इंतजाम कर रही है। कर्नाटक सरकार के फैसले का चुनाव में क्या असर पड़ता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।